मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 47वीं 48वीं गाथा चल रही है। यद्यपि 46वीं गाथा में आचार्य देव ने बता दिया था कि यहाँ पर जो रागादि भावों को, यहाँ तक कि शरीरादि को जो जीव कहा है, वह व्यवहार न्याय के पक्ष को प्रस्तुत किया है। और यदि इस व्यवहार न्याय के पक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या क्या दिक्कत होगी, यह बात अमृतचंद्र ने अपनी टीका में खोली थी। कुंद ने तो सिर्फ इतनी बात कह दी कि ये अद्वसमानादिक भाव हैं, जीव के हैं, ये व्यवहार नए के पक्ष को प्रस्तुत किया है, बस खत्म। अब क्यों प्रस्तुत किया है, यदि प्रस्तुत नहीं करते तो क्या दिक्कत हो जाती। ऐसा लगता है कि सुंदर सुस्वादी भोजन कर रहे थे और बीच में एक कंकण आ गया। समझा रहे थे कि वरुणादि अरुराग आदि तेने जो भाव को न्यारा किया, अब फिर बीच में ये कह दिया कि ये भी जीव है, तो लगता है ना कंकड़ आ गया बीच में। इस पक्ष को प्रस्तुत करने की जरूरत ही क्या थी। आचार्य देव कहते हैं, ये बात आप बिल्कुल सही कहते हैं कि जरूरत नहीं होती तो हम निश्चित रूप से इस बात को नहीं रखते। जरूरत ये थी कि यदि हम सर्वथा इनको जीवत्व से इनकार कर देते कि ये जीव है ही नहीं किसी भी रूप में, तो तिरस और स्थावर जो जीव हैं और बाकी धूल और मिट्टी है, इसमें हम अंतर किस प्रकार करते हैं कि धूल मिट्टी कंकर हैं, इनके मसल देने से इन पे हम पैर जूते पहन के निकल जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन त्रिजीव यदि एक बीच में आ गया तो वो हिंसा का महापाप होगा, है ना। मुनिराज चार हाथ जमीन देखकर आगे चलते हैं तो यही तो देख के चलते हैं कि कोई जीव जंतु पैर के नीचे ना आ जाए, कोई कंकण पैर के नीचे ना आ जाए, इसलिए थोड़ी चलते हैं। जमीन में रेत और कंकड़ तो आने ही हैं, उनसे तो बचाया ही नहीं जा सकता, उस पे तो पैर रखना ही है। तो ये बहुत बड़ी जरूरत थी, इसलिए सर्वज्ञ भगवान की वाणी में व्यवहार बताया गया। तुम इतने बात से समझ लेना कि कितनी जरूरी थी, नहीं तो सर्वज्ञ भगवान अपनी वाणी में इसे जीव कैसे कहते, व्यवहार में ऐसे ही सही। और रागादिक भाव को यदि जीव नहीं कहते तो क्या हो जाता, कि रागादिक भाव से कर्म का बंधन होता है और उससे संसार की वृद्धि होती है, तो बंध सिद्ध नहीं होता, द्रव्य बंध सिद्ध नहीं होता वहां, और यहां भाव बंध सिद्ध नहीं होता। और जब बंध सिद्ध नहीं होता तो बंध के अभाव रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता। तो ये सारा उपदेश निरर्थक हो जाता, क्यों कि मुक्ति प्राप्ति कैसे हो और बंध का अभाव कैसे हो, इसके लिए तो ये सारा उपदेश है। तो इतनी बड़ी आवश्यकता थी, इसलिए आचार्य देव ने इस व्यवहार का दर्शन उपदर्शन किया। तब से किसी ने पूछा कि हमें बताओ कि वो कौन सा व्यवहार है, तो उनने उत्तर में व्यवहार नय के चार भेदों में किसी भेद का नाम नहीं लिया। अब व्यवहार नय से है ये तो कह ही चुके हैं, अब ये फिर कहने का व्यवहार नय से कहा गया तो कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने उदाहरण देके ये बात समझाई कि जिस तरह सेना सहित जब राजा निकलता है दूसरे राजा पर आक्रमण करने के लिए, तब लोग कहते हैं कि इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है, इतनी धूल क्यों उड़ रही है, तो कि राजा निकला है।
कि उस सारी सेना के बीच में राजा तो एक है, लेकिन उस सारे सैन्य ग्राम को राजा शब्द से कहा जाता है। ऐसे ही अनंत पुत्र परमाणु और मोह राग द्वेष आदि के भाव, इनके बीच में ज्ञानानंद स्वभावी जीव तो एक है, फिर भी इन सबके समुदाय को व्यवहार नैसे जीव कहा जाता है। इस उदाहरण से बात समझाई। तो फिर शिष्य कहता है कि ये उदाहरण दिया, इसकी बजाय तो आप नए का नाम ही बता देते, उसमें कौन सी तकलीफ पड़ने थी। ये दो गाथा लग गई और नाम बताते तो चौथा ही गाथा में काम चल जाता। ये तो सूत्र है ना, अति संक्षेप में कथन करना चाहिए, कि संक्षेप में तो करना चाहिए, लेकिन इतना भी संक्षेप नहीं हो किसी की समझ में ही नहीं आए। इतना तो होना चाहिए ना कि समझ में आए। इसलिए उन्होंने कहा कि अब कोई शिष्य कहता है कि गुरुदेव आप यदि नाराज ना हो तो एक छोटी सलाह मैं देना चाहता हूं। कि क्या? कि नए का नाम भी बता देते और उदाहरण भी दे देते। क्यों? तो जो बिल्कुल साधारण लोग थे, जो नए के नाम से समझते ही नहीं, क्योंकि वे नए नए नाम ही नहीं जाने, उन्हें सुने ही नहीं है चार नाम, वे कहते हैं कि उपचय तो सदु व्यवहार नए से है। तो आप उन्हें यह समझाओ कि उपचय तो सदु व्यवहार नए काम है, बहुत बड़ा बड़ा धंधा हो जाए। फिर समय सार बगल में रख के नए चक्कर पड़ाओ। क्यों? इसलिए उन्होंने ये किया। तो उन्होंने कहा कि भाई बुजुर्ग नए जानने वाले हैं, नए बता देते तो वे भी समझ लेते और उदाहरण से ये भी समझ लेते। तो उन्होंने कहा क्या बात करते हो, जो नए के जानने वाले हैं, जरा समझना, मैंने सब इसमें लिखा है समय सार अनुशीलन भाग एक में, जो बता रहा हूं आपको पढ़ के देख लेना, कि यदि मैं इन नए का नाम भी बता देते, क्या बता देते उनको, जो नए के जानकारों को नए का नाम बता देते। अरे वे तो नए के जानकार हैं, वो तो उनने तो एक सेकंड में ही समझ लिया होगा कि जो सेना सहित राजा की बात हो रही है तो जो उपचय तो सदु व्यवहार नए का कथन है, और राग की बात हो रही है वो उपचय सदु व्यवहार नए का कथन है। उनको ये बताने की जरूरत ही नहीं है, ये नए के विशेषज्ञ हैं ना, इसलिए हमने नहीं बताए। जैसे ना चाहे ने क्यों बता दिए थे, उन्हें यह महसूस हुआ कि वो नए के विशेषज्ञों और बिल्कुल नए का नाम नहीं जानने वालों के बीच में भी कुछ लोग हैं। क्या ऐसे लोग भी हैं कि थोड़ा थोड़ा नए की बात जानते हैं, समझे ना। तो इसलिए उनने उनके बता दिए कि अच्छा उनने बता ही दिए तो कहते उदाहरण की क्या जरूरत थी, और उदाहरण से समझा देते। तो वो ये कहते हैं हमारे शास्त्र में आज्ञा है कि जहां गुरु शिष्य का व्यवहार होता है वहीं उदाहरण काम आता है। क्या? दो ही अनुमान के अंग हैं, नोधारणम, ऐसा परीक्षामुख सूत्र का सूत्र है। क्या? अनुमान के दो ही अंग हैं, साध्य और हेतु। नो उदाहरणम, उदाहरण नहीं, उदाहरण तो बहुत अज्ञानी शिष्यों को दिए जाते हैं। जब हम किसी से चर्चा करते हैं, बाद विवाद नाम की चर्चा जिसे बोलते हैं अपन, तब ये शर्त है कि उदाहरण नहीं देना, उदाहरण देने की शर्त नहीं है। अभी तक अब उदाहरण देने में ये क्या तकलीफ है, वो तो फंसाना चाहता है तुम्हें। वो कहेगा कि आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई, जरा उदाहरण से समझाओ, क्योंकि वो समझता है सिद्धांत तो अकाट्य है, उसे तो काटा नहीं जा सकता है, और जो उदाहरण देगा तो उसकी धुनाई में करके रख दूंगा, क्योंकि उदाहरण सर्वांग घटते ही नहीं। अब यही उदाहरण सर्वांग नहीं घट घटित हो रहा, वो वर्णादि पे घटित हो रहा, राग आदि पे घटित नहीं हो रहा।
समझ में आना, तो वो पकड़ लेता। तो विरोधी कहता है कि हमें उदाहरण दे के समझाओ, कि उदाहरण के बिना नहीं समझ सकते हो ना, तो पहले जरा अध्ययन करके पढ़ के आओ, फिर मेरे से बात करना। क्या समझे ना, ऐसा ऐसा नियम है न्याय शास्त्र का, ये नियम बता रहा हूं मैं आपको। उदाहरण नहीं देने की शर्त है, यदि उदाहरण दिया आपने तो मरे, बस खत्म। क्योंकि उदाहरण तो गारंटी से कट जाएगा, कहीं ना कहीं जाके टकरा जाएगा, और सिद्धांत काट होता है हमेशा। तो फिर शिष्यों को क्यों देते हैं, कि उसे काटना नहीं है, उसे तो समझना है। उसे दो कथाएं दो तरह की होती हैं, एक बीतराग कथा और एक बिजगुस कथा। तो बीतराग कथा में उदाहरण दिया जाता है और बिजगुस कथा में उदाहरण नहीं दिया जाता। इसलिए इसमें ज्यादा बहस से कोई फायदा नहीं है, हमने जो कहा है उसको तुम शांति से सुनो और समझो। इतनी बात कहने के बाद अब वो शिष्य कहता है कि ये तो आपने समझा दिया कि जीव क्या नहीं है, ये वर्ण आदि जीव नहीं है, राग आदि जीव नहीं है, कर्म जीव नहीं है, आठ कर्म का संयोग जीव नहीं है, रागादि विकारी भाव जीव नहीं है, दोनों की मिलावट जीव नहीं है। क्यों, ये जीव नहीं है तो आपने बहुत समझाया, अब जीव क्या है ये समझाओ ना। हम क्या जीव नहीं है ये समझने नहीं आए हैं। ये दिक्कत अकेले जैनियों के लिए नहीं है, अजैन जैनेतरों में भी ये है, उनके यहां भी एक शुद्ध ब्रह्म होता है, ये अपने यहाँ शुद्ध ब्रह्म भगवान आत्मा है ना, त्रिकाली ध्रुव, उनके यहाँ भी शुद्ध ब्रह्म अलग होता है और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश अलग होते हैं। वो अपने यहाँ का शुद्ध ब्रह्म तो परम पवित्र है, उसे कभी कोई इच्छा होती नहीं है, और उनके वो शुद्ध ब्रह्म को कभी इच्छा हो जाती है। एको हम बहुश्याम, जब मैं एक हूं, अब मैं बहुत होना चाहता हूं, बहुत होता हूं, तो एक के तीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और मैं। ब्रह्म अलग है और ब्रह्मा अलग है, अपने जैन दर्शन के हिसाब से। और जिस भाषा को मैं आप समझने में माहिर हैं सुखचंद जी, उस भाषा में मैं कहूं तो ब्रह्म द्रव्य है और ब्रह्मा पर्याय है। उनके यहां नहीं है ऐसा भेद, मैं तो अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूं कि वो जो असली शुद्ध ब्रह्म था, उसने जब कोई देश बनाया चतुर्भुज, वो ब्रह्मा बन गया। क्या बनाओ बेटा तुम, उन्हें बहुत होना थे ना, सिर्फ दुनिया की रचना करो, तो उन्होंने सारे जगत की रचना करी। तो दो ब्रह्म से जगत संसार की रचना नहीं होती, उनके यहां भी किससे होती है, ब्रह्मा से। ऐसे अपने शुद्ध ब्रह्म के आश्रय से विकारी भाव रूप संसार की उत्पत्ति नहीं होती है। जब ये ब्रह्मा माने कर्ता बनता है तो ये संसार की उत्पत्ति होती है। क्या, ब्रह्म प्लस कर्तापन इक्वल टू ब्रह्मा, समझ गए ना। ब्रह्म में कर्तापन जुड़ा तो उसका नाम हो गया ब्रह्मा। जब जो सारा जगत बन गया, अरे आपस में लड़ मरने लग गया है? तो फिर एक रक्षक की जरूरत पड़ी, तो विष्णु, विष्णु माने होता है रक्षक, विष्णु शब्द ही रक्षक शब्द का द्योतक है। तो विष्णु जी आए, फिर वो जगह 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 झगड़े फसाद होने लग गए, गांव गांव में ये झगड़े होने लग गए, तो उनको कौन निपटाए, और उन निपटाने वाले के हाथ में कुछ ताकत भी होना चाहिए, हाथ जोड़ जोड़ के कितना निपटाए। धनकुमार जी निपटा सकते हैं कुछ, हाथ जोड़ जोड़ के निपटते हैं कुछ? तो नहीं माने तो डंडा लेके भी खड़ा हो जाए विष्णु, वो रक्षा करने के लिए भी मारपीट पे उतारू हो, जो भी जैसा करना हो, लेकिन वो इस जगत की रक्षा करे। लेकिन कभी कभी इतना मामला गड़बड़ हो जाता है कि भैया अब ये रक्षा मक्षा करने से कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने कहा एक दफे सब साफ कर दो, फिर दोबारा नया सब करेंगे।
ख्याल में आए ना, तो महेश जी का संग हो गया संहार के देवता, कर दो पिल्लय खत्म, खेल खत्म, सब बहुत बिगड़ गया, पंचम काल का अंत आ गया। एक दफे पिल्लय हो जाने दो, क्यों सतवा काल पर दूसरा छठवा काल का अंत आ गया, सब पुराना मामला साफ करो और फिर नया शुरू करें। ऐसे उनके ब्रह्मा विष्णु और महेश, एक बनाने वाला, एक बचाने वाला और एक मारने वाला, अब भगवान ही लड़ते रहे, एक बचा दूसरा मारे, धमाधम धमाधम ना। अपना ये शुद्ध ब्रह्म है तो वो कहते हैं, उनके यहां क्या कहते हैं, शुद्ध ब्रह्म समझाओ, तो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझना। उनके यहां भी ऐसा ही अध्यात्म है, जैसे अपना परम शुद्ध निश्चय है ना, उनके जो वेदांती लोग हैं वे आध्यात्मिक लोग हैं, अब वो इसी तरह की परम ब्रह्म की बात करते हैं, वे ब्रह्मोपासना की बात करते हैं, ब्रह्मा की उपासना नहीं, समझे ब्रह्म। तो ये कहते हैं कि वो परम ब्रह्म, उनके यहां लिखा है कि जाहि वेद नेति नेति बखानते हैं, क्या क्या लिखा, वेद से पूछा वो ब्रह्म कैसा है, लाल है कि ना, काला है कि ना, पीला है कि ना, बस वो ना 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 ना, ब्रह्म जाए नेति नेति बखानत हैं, बस ना, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है वो ब्रह्म उनका। और अपने यहां कैसा है, समय सार में न तथा न तथा न तथा न तथा, 20 कलश हैं, एकस्य बद्धो न तथा परस्य न तथा न तथा, हर एक में न तथा न तथा न तथा न तथा न तथा, न तथा शब्द से बात है, क्यों कि तुमने कहां से शुरू की थी, 39वीं गाथा से, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, 39 से 48 तक आ गए, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है कहते कहते, अब वो कहते व्यवहार से ऐसा है, लेकिन अब तुम असली ब्रह्म कैसा है हमें तो वो बताओ, हमें तो वो चाहिए, क्योंकि उसके जानने से हमारा कल्याण होगा। तो ये 49वीं गाथा का जन्म हुआ है, लेकिन हुआ क्या, आखिरकार वही रामायण शुरू हो गई, अरस मरूप मगंधम इतना गुण मसदम जान अलंग गहनम जीवम मनिदत्त संस्थानम चैतन्य गुणमय। ग्रहण से क्या हुआ बाबू, पहले कह रहे थे आत्मा रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, राग नहीं है, ये नहीं नहीं बोल रहे थे ना, तो आपने बोल दिया अरस है, तुम्हें है बुलवाना है, नहीं है नहीं चाहिए ना, नहीं क्या तुम्हें नहीं है अच्छा नहीं लगता ना, तो आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, स्पर्श है, अव्यक्त है, अलंग ग्रहण है, क्या हुआ क्या, बस उन्होंने वो नई है नई की जगह आ लगा दिया कि करें क्या है, जैसा कहने के लिए बहुत कम शब्द हैं, वो अवाच्य है, वो तो तुम्हें सारे से समझना पड़ेगा, जो मैंने बताया ना कि छोकरा कितना है, बुसर बेचनी है ना, तो वो कहेगा ऐसा नहीं इतना नहीं इतना नहीं इतना नहीं इतना नहीं, इसमें से कितना निकालना पड़ेगा तब तुम्हारी एक बुसर बेच पाओगे। मैंने धर्म के 10 लक्षण किताब में पहला जो पाठ लिखा उत्तम क्षमा का, उसके पहले सामान्य पर्व का है धर्मों में पहला, तो उसमें पहले ही पेज पे लिखा, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, परिग्रह नहीं जोड़ना, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, लोभ नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, बस
सब धर्म का नेगेटिव ही नेगेटिव है। धर्म का नई नई करने रूप है कि धर्म का कोई पॉजिटिव रूप नहीं है, धर्म करने रूप नहीं है। क्यों? धर्म कोई करने, धर्म का रूप करने रूप भी तो होना चाहिए, वो तो बताओ क्यों? क्या उपवास करना अब तो ठीक है ना? अरे ये क्या है उपवास करना? ये हम तुमने कह दिया करने रूप, क्या करें उपवास करने के लिए कि रोटी मत खाओ, फिर वहीं के वहीं आ गए लौट के। ये सब नहीं करने रूप हो गया ना। इसलिए जैनेतर लोग जैन धर्म पर ये आरोप लगाते हैं कि जैन धर्म निवृत्ति मार्ग है और जैनेतर दर्शन प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। वहां सब ये करो ये करो ये करो ये करो ये बताया जाता है और यहाँ ये मत करो ये मत करो ये मत करो ये बताया जाता है। ऐसा उन्हें प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग निकाला। क्या सचमुच जैन धर्म निवृत्ति मार्ग है? ऐसा निवृत्ति मार्ग है? उसने लिखा क्या जैन दर्शन में प्रवृत्ति कुछ नहीं है? यहां है ना सत्य बोलना, क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो भाई तो वो ही हो गया, इसमें कुछ हुआ नहीं है सभास्तव में। तो वो लिखा है मैंने उसमें, और उसमें आता है पर से निवृत्ति और स्वामे प्रवृत्ति। इसलिए जैन धर्म अकेला निवृत्ति मार्ग नहीं है, पर से निवृत्ति और स्वामे प्रवृत्ति। और स्वामे प्रवृत्ति माने स्वा को जानना, ये जानना कि यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति करना और उसी का ध्यान करना, उसमें लीन होना, इसका नाम है स्वामे प्रवृत्ति। वास्तव में ये है वो बाहर की क्रिया में पलटा पलटी करोगे तो उपवास करना और रोटी नहीं खाना, वो उससे काम नहीं चलेगा। उसी में नेगेटिव पॉजिटिव में खेल खेलोगे तो काम नहीं चलेगा। तो असली ध्यान धर्म तो प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति तो करनी ही नहीं है। निवृत्ति तो हो जाती है, की नहीं जाती है। जब स्वामी प्रवृत्ति करेंगे तो परसे निवृत्ति हो जाएगी। स्वामी ही अपनापन करेंगे, यही मैं हूं, तो परम में नहीं हूं, ये तो ऑटोमेटिक हो गया। क्या मैं नहीं हूं ये समझाने की बजाय शिष्य कह रहा है गुरुदेव क्या मैं हूं ये समझाओ। क्या मुझे इसे समझने में रस है कि मैं क्या हूं, उसका प्रश्न तो ये था। और उन्होंने उसके लिए वो भाषा पलटी, माने उसी पुद्गल के निषेध रूप फिर उसको बताया। इसमें करीब 8 या 9 पद हैं, कितने पद हैं इसमें? एक पद है जो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं। अरस नेगेटिव, अरूप नेगेटिव, अगंध नेगेटिव, स्पर्श नेगेटिव, अव्यक्त नेगेटिव, अलंघन नेगेटिव, अनिर्दिष्ट संस्था नियंत्रण और चेतना गुण मसदम। चेतना गुण वाला है, अशब्द भी नेगेटिव, तो चेतना गुण वाला ये पॉजिटिव है। उपयोग लक्षणम, ये लक्षण है, अरस लक्षण नहीं है, अरूप लक्षण नहीं है। और लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य की पकड़ लक्षण से होती है। समझ में आए ना? तो फिर ये इतने ये नहीं है नहीं है क्यों गिनाए? क्योंकि अब तक इनमें इसने जीवत्व की कल्पना की। जहां जहां जो पहले अटका है, पहले पहले वहां से कहा कि तेरी ये बात झूठी, तेरी ये बात झूठी, तूने माना है ना कि मेरी वाणी बहुत सरस है, कि आत्मा तो भैया अरस है, मैं बहुत रूपवान हूं, कि आत्मा तो अरूपी है। दिक्कत क्या हुई उससे कि हमने आत्मा को सरस
और रूपी माना तो आंख खोल खोल के देखने लग गए, क्योंकि रूप को आज तक हमने आंख के माध्यम से ही देखा है। समझ गए ना, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे, पर आत्मा आंखें फाड़ फाड़ के देखने की चीज नहीं है। क्यों, एक भजन आता है ना कि झूठा है संसार आंख खोल के देखो। ये तो झूठे संसार को आंख खोल के देखा जाता है, और सच्चा है तेरा भगवान आत्मा आंख बंद करके देख, पर आंख से दिखाई नहीं देगा। ख्याल में आई कि नहीं आई? तो ये जो तेरे जानने के तरीके हैं, और जानने को जो तूने जो साधन बना रखा है, जानने के हमारे साधन क्या है, आंख कान नाक, क्यों हमारे ज्ञान की उपलब्धि के साधन हम इन्हीं को मानते हैं ना। ऐसे लोग कहते बहुत कह मिलेंगे कि आंखें गई तो संसार गया है ना, अंधेरा ये अंधेरा सब खत्म, आंखें गई तो सब खत्म, और कुछ उससे भी आ गए हैं। क्यों, वो क्या कहते हैं कि पैसा गया तो हम खत्म। वो तो खत्म हो गए साहब, अब क्या बात करते हो उनकी, क्यों साहब महाजन सोनी, वो तो खत्म हो गया, उनकी क्या बात करते हो, खत्म हो गया माने जमीन पे आ गए, क्यों सड़क पे आ गए। इन सब के एक ही अर्थ है, जो अर्थ बताने की मुझे कम से कम जरूरत नहीं है, इसका अर्थ बहुत अच्छी तरह आप समझते हैं। पर कुछ लोग यश को ही अपना मानते हैं, मैं मेरा नाम है, अरे अब सब गया गया, बहुत नाम था गया। क्यों बोलते कि नहीं बोलते ना, हमारा नाम चलता है यश। कहते ये सब चीजें भाई साहब तू थिए ही नहीं, अभी तू पूरा का पूरा अंदर विराजमान है, और इनके अभाव में तू अपना अभाव मानता है, ये तेरा इसमें एकत्व बुद्धि की निशानी है। भैया अब हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, क्या अब हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, कि क्या हो गया तुम्हारा मुंह थप गया, था कब जो दिखा दे, क्या तुम तो मुंह से भिन्न पदार्थ हो ना, है? समझ गए ना, और दिखाने की क्या जरूरत है, आत्मा का कल्याण तो देखने से होता है, समझे ना, क्योंकि दिखाने से थोड़ी होता है, आत्मा का कल्याण तो देखने से होता है। तो ये इतना जो नेगेटिव अप्रोच है जिनागम्य शास्त्रों में, वो सिर्फ इसलिए कि तूने खोज की जो प्रक्रिया आज तक अपना रखी है, वो इन पांच इंद्रियों के माध्यम से अपना रखी है। इसलिए इंद्रियों की जीतने की बात जब आती है, हाँ मैंने तो रस्सी ले ली, अब मैं तो खट्टा मीठा मीठा नहीं खाता, घी भी नहीं खाता, फला भी नहीं खाता, फलाने भी खाता, क्यों मैं तो इंद्रियों को जीत लिया, ये भोग सामग्री छोड़ के तू मानता है कि मैंने इंद्रियों को जीत लिया, क्यों क्या आपको पता नहीं, जमीकंद नहीं खाता, ये नहीं खाता, शक्कर नहीं खाता, घी ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, अच्छा नहीं खा रहा, इतनी सब गिना दी तूने, अब जितनी बची वे खाता है ना, जितनी तूने गिनाई हैं वे तो हैं संख, और बाकी जो बची हैं वे हैं अनंत। तो ये नहीं खाता, ये नहीं खाता की बात करके क्या खाना उसकी बात करना भले आदमी, क्यों कभी मैं चार सब्जी खाऊंगा बस लौकी फलाना फलाना बिना अनंत छूट गई वनस्पति एक साथ एक झटके में। अब अनंत के नाम ले कि मैं ये नहीं खाता ये नहीं खाता, फिर अनंत बची है, चलो ऐसा कर लिया। मैं पूछता हूँ जो खाता है उसमें मजा आता कि नहीं आता, अरे क्या आप समझते हो, बिना घी के इतना बढ़िया पकवान बनाता, हमारी माता बहन इतनी होशियार हैं, ऐसा ऐसा बना दें, बिना चीनी के बहुत बढ़िया बनाते हैं, वो खारक बादाम और मुनक्का डाल डाल के सब बना देते, एकदम एकदम स्वादिष्ट होता एकदम। अरे भाई साहब तो ये छोड़ना था कि ये
यानी ये भोग पक्ष में भी पलटा पलटी करता है, बेईमानी करता है। और भोग पक्ष को कदाचित हम उसकी निंदा करें तो सब लोग बहुत शांति से बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे हम पाकिस्तान को कितनी भी गालियां यहां दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? और हिंदुस्तान को एक बात कर दें तो क्यों? बोलो भाई। अरे हिंदुस्तानी लोग ऐसे ही हैं अमृत भाई, आप समझते नहीं हो कि पंडित जी बिल्कुल ठीक कहते हो आप। अमृत भाई, इन गुजरातियों का कोई भरोसा नहीं है, हिंदुस्तान में गुजरात नहीं था क्या? गुजरात में जैसी एकत्र बुद्धि है वैसी हिंदुस्तान में नहीं है, तो हिंदुस्तानियों को कितनी गाली दे चलता है। जैसे भोग, इंद्रियों के भोग पक्ष को कितनी गालियां दो सभा में, कोई कुछ नहीं कहेगा क्या बिल्कुल ठीक कहते हो आप, बिल्कुल ठीक कहते हो। लेकिन ज्ञान पक्ष को कि इंद्रियों के माध्यम से जानने के तेरे काम की नहीं है ये, इसलिए इंद्रियों को जीतना है तो उनका गेय और भोग दोनों पक्ष छोड़ना होंगे। तो पता इस बात में कहते हैं समय साथ नहीं पड़े। अब गुरुदेव सिंह का प्रवचन नहीं सुने, हो गया धर्म, मैंने कान कान काम के नहीं है और आंखें काम की नहीं है, क्यों था? कि ना नहीं नहीं पर कोई जरूरत नहीं है, फिर आत्मा का अनुभव कैसे होगा? हो जाएगा, थोड़ा नहीं नहीं। ये समझ समझ लेना मैं समय सार की निंदा कर रहा हूं, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कहता हूं जब समय सार नहीं लिखा गया था तब लोगों को आत्मा का अनुभव होता था कि नहीं होता था? समय सार बहुत महान है, समय सार पर मैंने 4400 पेज लिखे हैं, ख्याल में ही ना? ऐसा एक दिन नहीं जाता जिस दिन मैं समय सार नहीं पढ़ता हूं। इसलिए निंदा मत समझना, ऐसा अर्थ मत निकालना क्या। लेकिन समय सार नहीं था, कुंद कुंद के पहले समय दर्शन होता था कि नहीं होता था? और समय सार के पहले और बाद जब जब जिन जीवों को समय दर्शन हुआ केवल ज्ञान की, तो बहुत दूर की बात है, तब वो समय सार पढ़ते पढ़ते नहीं हुआ, सुनते सुनते नहीं हुआ, पढ़ना सुनना बंद करने पर हुआ है? शब्द कुछ शब्द आत्म नहीं है, क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं जी, अन्नर आत्म अन्य जनवर कहें, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, बस इसलिए तो शास्त्र अन्नरु ज्ञान अन्य जनवर कहें। क्यों आया कि नहीं आया? उस समय सार नहीं लिखा है। तो ये सबसे बड़ी बात जो है ना कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है और बहुत चक्कर चल गया इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। अरे भैया हमको इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है कि नहीं है इस झंझट में नहीं पड़ना है, हमें एक इंद्रिय ज्ञान से तेरा आत्मा जानने में नहीं आएगा, और हम तो इतना बताना चाहते हैं, सब समझ में आए ना? लेकिन इंद्रिय ज्ञान का मतलब क्षयोपशम ज्ञान नहीं होता, घबराना नहीं, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान में तो आत्मज्ञान होता है। ज्ञान चंद जी समझ में आई कि नहीं आई? इंद्रिय ज्ञान से नहीं होता और क्षयोपशम ज्ञान से होता है, क्योंकि जितने जीवों को आज तक हुआ है वे सब क्षयोपशम ज्ञानी थे कि नहीं थे? ज्ञान में उपशम तो होता ही नहीं है शिखरचंद जी, अब क्षयोपशम होता है, क्षय होता है, क्या उदय होता है तो उदय में तो अज्ञान होता है, औदिक अज्ञान होता है, क्षयोपशम अज्ञान होता है, क्षयोपशम ज्ञान होता है, आत्मा का दर्शन तो उसी में होता है, सारा पुरुषार्थ उसी में होता है, सम्म दर्शन प्राप्त करने का भी और मोक्ष प्राप्त केवल ज्ञान प्राप्त करने का भी, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर छाय ज्ञान होगा ना, तो छाय ज्ञान तो वो प्रकट होगा, वो तो साध्य है। आज गुरुदेव बता रहे थे कि वो साध्य है और ध्येय आत्मा है,
दो चीजें हो गई ना गुरुदेव ने बताई थी, अब तीसरी क्या है? साधन क्या है? तो साधन साधन वो क्या लिखा? जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। इंद्रिय ज्ञान है, थेउपसम ज्ञान नहीं है। ये थेउपसम ज्ञान नहीं है, है वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान थेउपसम ज्ञान है, सारा मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं है। ये बात जब मैंने बालबोध वितराव ज्ञान पाठमाला भाग एक लिखी थी ना, तब बहुत बहुत बहस चली थी इस पर। ये सर 69-70 की बात है, 69-70 हाँ 69-70 समझ गया ना, 69 कि जब मैं मति ज्ञान की परिभाषा लिखी, श्रुति ज्ञान की परिभाषा कैसे लिखी याद है किसी को? छोड़ छोड़ दो, समझ गया। देखो पहले क्या चलती थी, इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, जो इंद्रियों और मन के निमित्त से ज्ञान हो उसे मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, तो मैं तत्वा सूत्र के 10-5 सूत्र ऐसे हैं कि जिन पर मैं कम से कम 50 साल से बोल रहा हूं कि इनका अर्थ सबसे ज्यादा गलत समझा गया। उसमें एक सूत्र जो इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम भी है, इसका क्या अर्थ गलत समझा गया? इसका अर्थ है तो ये कि मति ज्ञान में इंद्रियां और मन भी निमित्त होते हैं, और हमने मान लिया कि ये इनके निमित्त से होता है। वो जो पर को जानने रूप ज्ञान होता है मति ज्ञान में, वो इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, और स्व को जानने का जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना होता है, होता मति ज्ञान में ही है। मति ज्ञान की बुद्धियों को समेट कर आत्मसन्मुख कर रहे हैं ना, श्रुति ज्ञान की बुद्धियों को समेट कर आत्मसन्मुख कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो ये मेरे उस पर भाग में लिखा है। बहुत बहस हुई थी गुरुदेव के सामने, तो होने का सवाल नहीं था बहस का, लेकिन सारे पंडित थे, 22 पंडितों की हमने समिति बनाई थी जब परीक्षा बोर्ड बनाया, और जब बालबोध पाठमालाएं लिखी जा रही थी तो सबको बुलाया था यहीं जयपुर में, जिसमें कैलाश चंद जी, जगन मोहन लाल जी, फूलचंद जी और माने चंद जी चमरे, 22 विद्वान थे, कैसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए उसके लिए। आपके क्या अर्थ कर रहे हैं? अरे है देखो, तो मैं वो निमित्त तो होते हैं, इतना अंतर आपको ख्याल में नहीं आएगा तो नहीं बताएंगे। ऐसा दूसरा सूत्र है परस्परो गुरु जीवानाम, जैसे सबसे गलत अर्थ किया गया कि जीव एक दूसरे का उपकार करते हैं। उपकार शब्द का ही सही अर्थ नहीं समझते हम। उपकार माने क्या होता है? एक शब्द कहें भलाई, कहां लिखा उपकार का अर्थ भलाई? कम से कम तत्वा सूत्र के सूत्र में तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जहां वो उपकार गिनाए हैं वहां लिखा है कि पुद्गल के जीव के प्रति क्या उपकार है मालूम, तो उसमें लिखा सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च, कि सुखी होना दुखी होना, सुख देना दुख देना और जीवन देना मरण देना, ये पुद्गल जीव के प्रति उपकार है। यदि उपकार का मतलब भलाई होता तो दुख देना भी उपकार होता और मरण करना भी उपकार होता। समझ रहे विनोद भाई? इसका अर्थ सीधा हो लो उपकार तो उसका अर्थ, भलाई तो उसका अर्थ नहीं है गारंटी से। अब लोगों के दिमाग में इतना गहराई से जमा हुआ है उपकार का अर्थ भलाई, ख्याल में आया ना? और सब लोग परस्परो गुरु जीवानाम, परस्परो गुरु जीवानाम बना बना के सब जगह लिख दिया और सब जगह व्याख्या कर दी। अब इसके बारे में जो अर्थ मैं बता रहा हूँ वो बताना खतरे से खाली नहीं है, सारे देश विरोध में खड़ा हो जाए क्या करें? तो क्या है फिर उपकार शब्द का अर्थ न्याय व्याकरण से? देखो हर एक चीज में ये उप क्या है, ये उपसर्ग है। उपसर्ग जानते किसे बोलते हैं? अरे होता है ना मुनिराजों पर, पार्श्वनाथ पर हुआ था। अरे भाषा में भी उपसर्ग होते हैं, कुछ प्रत्यय होते हैं
और कुछ उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय उन्हें बोलते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग उन्हें बोलते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं। जैसे दा धातु है देने अर्थ में, अब उसके अंत में हमने ती प्रत्यय लगाया, दधाती ऐसे जो भी बोलते हैं ना, लगाए कुछ भी है? वो अंत में लगते हैं वो सब, वो उपसर्ग प्रदान। अब ये प्र लगाया, जब शुरू में लगा ना दा में, इसलिए इसे उपसर्ग बोलते हैं। ये भाषा पर शब्दों पर उपसर्ग है जी, जैसे नंदीनाथ भगवान पे हुआ था, पार्श्वनाथ भगवान पे हुआ था। तो उपसर्गों से होता क्या है नंद कुमार जी? उपसर्गेन धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते। उपसर्गों के माध्यम से धातु का अर्थ जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाया जाता है, अर्थ बदल जाता है। जैसे देखिए, गम धातु गच्छ, गम गच्छ जाने के अर्थ में है, गच्छति माने जाता है, आगच्छति माने आता है, उल्टा हो गया कि नहीं, बदल गया ना। और अवगच्छति माने जानता है, और प्रत्यागच्छति माने लौटता है। अब समझ गए ना, जितने उपसर्ग लगते जाएंगे उतना अर्थ बदलता जाएगा। समझे, गच्छति माने जाता है, आगच्छति माने आता है, प्रत्यागच्छति माने लौटता है, अवगच्छति माने जानता है। समझे ना, तो ये उपसर्ग कहलाते हैं जो शब्दों के पहले लगते हैं, तो उससे अर्थ बदल जाता है। अपन काय के लिए समझा रहे जी, उपकार। उप शब्द जो है वो उपसर्ग है, और कार्य माने काम, कार्य। तो उप शब्द से उसका अर्थ बदल जाएगा, वो कार्य नहीं रहेगा। अब देखो, उदाहरण देके बताऊं तो जल्दी समझ में आएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, बोलो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का एक ही अर्थ है। राष्ट्रपति तो कारक है, और उपराष्ट्रपति उपकारक है। उपकार उपराष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति कुछ नहीं करते हैं। क्या कह रहे हो वहां? उपकार, उपकार क्या है बताओ मुझे? उपकार करने, उपकार करने के अर्थ में है क्या? अच्छा, नगर और उपनगर, ये बापू नगर नगर है क्या उपनगर? जयपुर नगर है और बापू नगर उपनगर है। तो उप का अर्थ क्या होता है फिर? नगर से समीपे उपनगरम, जो नगर के समीप हो उसको उपनगर कहते हैं। समझे ना? अच्छा, और समझो, उपमंत्री और सहमंत्री में क्या फर्क है? सोच ना कि जब बहुत से लोगों को मिनिस्टर बनाना हो ना, तो किसी को महामंत्री, किसी को मंत्री, किसी को उपमंत्री, किसी को सहमंत्री, किसी को प्रचार मंत्री, इसलिए भाषा बनी होगी। अरे, इनका बहुत फर्क है। सहमंत्री तो मिनिस्टर को सहयोग करता है, उपमंत्री मिनिस्टर की अनुपस्थिति में मिनिस्टर का काम करता है। समझ में आया नहीं? अंतर समझ में ना? सभापति और उपसभापति, समझ गए आप? उपसभापति का क्या काम है? जब सभा की अध्यक्षता सभापति करता है, और सभापति नहीं हो तो उपसभापति करता है। ध्यान कुमार जी, आप क्या हो? समझ में आ गया ना? यानी वो उसका सहयोगी नहीं है। अध्यक्ष से नहीं कह सकता ये काम करो, और सहाध्यक्ष होगा वो बगल में बैठेगा, वो बताएगा ये फाइल में से निकालो, ये करो ये करो, सहमंत्री होगा। समझ गए आप? तो नगर उपनगर नगर नहीं है, उपनगर नगर के बाहर है, परकोटा के बाहर है, वो सिर्फ वो तो नगर के समीप है। तो कार्य और उपकार्य, तो उपादान को कहते हैं कारक और निमित्त को कहते हैं उपकारक। समझ नहीं ना आपकी? ना तो वो निमित्त है, वो इतना अर्थ है कि पुद्गल जीव के जीवन और मरण में निमित्त है। उपकार से निमित्त होता है। समझ गए ना आपकी? में तो पर जीव परस्पर में एक दूसरे के निमित्त हैं। पति पत्नी तो उपकारक नहीं है, पति पत्नी, वो पत्नी का पत्नी नाम
पति की वजह से पड़ा, पत्नी की तरफ से पड़ा, और पति का पति नाम वो पत्नी की तरफ से पड़ा, पर इसका नाम उपकारक है, पर खत्म। खाली नहीं ना, अब सब ने उपकारक है, उपकार करते हैं, उपकार एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। अब हम तो ये पढ़ाते हैं कि एक दूसरे का उपकार कर नहीं सकते हैं, और तुम्हें माथे पर बोझा हटाओ ये उपकार करने का, और मत करो दूसरे के हाथ पैर मत जोड़ो कि भी तुम्हारा उपकार कर देंगे। अब ये अर्थ मन बैठे। अब मैंने जो ये अर्थ बताया कितना कठिन है बोलो समझाना, इस जगत के गले उतारना कितना कठिन है। यदि गुरुदेव के मान नहीं मानने वाले दो चार पंडित बैठे होते अभी तक मेरा गला पकड़ लेते क्या? ये तो गुरुदेव अभी भी स्वर्ग में बैठे बैठे रक्षा कर रहा है अपनी। तो कौन एक हुआ कौन सा सूत्र इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, दूसरा हाँ ये ऐसे अर्पता नर्पता सिद्धे, ऐसे अनेक सूत्र हैं कि जिनका अर्थ आज तक सही समझा ही नहीं गया, उनको गलत समझा गया, अब उनको उनको अर्थ करने में पसीना छूटता है इनका, इसलिए समझ में। देखो अभी अपनी बात क्या करते हैं कि ये जो बता रहे हैं क्यों कि हमने इंद्रियों के माध्यम से आत्मा समझ में आएगा ये मान रखा है, और वो साधन इंद्रियों को मान रखा है, तो वो कहते हैं सिर्फ प्रज्ञा ही साधन है, बुद्धि और बुद्धि मति ज्ञान है, मति ज्ञान इंद्रियों को बंद करना है, वो मति ज्ञान को बंद नहीं करना है। यदि मति ज्ञान को बंद करना हो तो नींद की गोली खा लेते और समझ दर्शन हो जाता। ज्ञान को तीसरी रखना है, वो इंद्रियों से माध्यम से जो उसका उपयोग, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का सदुपयोग नहीं, बर्बादी होती है। बहुत विचित्र गणित है। अभी है समय अपने पास 5-7 मिनट, वो ऐसा है जो मैं खोल रहा हूँ ना उसमें 5-7 मिनट लगेंगे कि हमने अनादि से जब से हम श्रेणी पंचेंद्री हुए हैं लेकर तब से शास्त्र के हिसाब से हमारे को ऐसा ज्ञान उपलब्ध है कि जिससे आत्मा का अनुभव हो सकता है। दो बातें अलग अलग हैं, एक तो वो जो क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से जो ज्ञान की पर्याय आत्मा को गेय बनाएगी और आत्मा का अनुभव पर वो ही साधन है और बाकी का ज्ञान कुछ नहीं, लेकिन एक दूसरी अपेक्षा है कि श्रेणी पंचेंद्री को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, अश्रेणी तक के नहीं। तो हम श्रेणी पंचेंद्री हो गए तो हमारे पास प्रति समय इतना ज्ञान उत्पन्न होता है कि वो ज्ञान आत्मा के जानने के लिए पर्याप्त है, समझना। कोई भी श्रेणी पंचेंद्री हो, दुष्मासम घोषंतों वाले मुनिराज भी। अब हमने जिस ज्ञान से आत्मा को जाना जा सकता उस ज्ञान की कितनी बेदर्दी से बर्बादी की है। इसको उदाहरण से समझें कि हमने अपने बच्चे को 100 का नोट दिया क्या कि बेटा तेरे को जो खरीदना हो तो खरीद ले, एक तो हमें बता देंगे फलानी चीज खरीद ला, वो दौड़ के जा वो चीज ले आए, बस खत्म हो गई बात। लेकिन उसको आजाद कर दें कि तुझे जो खरीदना हो खरीद ले, अब उससे क्या होगा, वो जाकर के सिनेमा के 2 टिकट भी ला सकता है और वो 2 समय सार भी खरीद के ला सकता है, समय सार और प्रवचन सार भी ला सकता है, साथ में मोक्षमय प्रकाशक भी ला सकता है, उन पैसों से आ सकते हैं कि नहीं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो 2 सिनेमा के टिकट लाया है उसने भी 100 रुपये बर्बाद किए हैं और साथ में 3 घंटे और जो सूक्ष्म ज्ञान पैदा होगा उसे वो बर्बाद करने की गारंटी के साथ, समझ में आया कि नहीं आया? और उस ज्ञान से समझेगा, अब कहते जो ज्ञान तुम्हें हुआ है जिस ज्ञान से आत्मा जाना जा सकता है, अब उस ज्ञान से तुमने क्या क्या जाना, 5 इंद्रियों के विषय जाने, मलमूत्र जाने, दूसरे के राग द्वेष जाने, दूसरे की शक्लें देखी, अब कहाँ 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 अज्ञान को आपने बर्बाद किया, इनकम टैक्स सेल टैक्स में बर्बाद किया,
टीवी पे किया, सिनेमा में किया, कहाँ कहाँ किया, अब आप अपना अपना सोच लेना। लेकिन वो ज्ञान इतना कीमती था कि यदि वहाँ बर्बाद नहीं करते सेवंतीलाल जी और आत्मा जानते तो उससे आत्मा जाना जा सकता था। वैसे आपको उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं दिखेगी, वैसे 100 नोट की कोई कीमत नहीं है आज, लेकिन उससे समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक दोनों मिल सकते हैं। तब उसको मालूम पड़ता कि देखो कितनी वैल्यू है उसकी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अब हमने कितना बर्बाद किया। जब मैंने ये समझाया एक बार देवलाली में तो लोगों के आंख में आंसू आ गए, और वो कही हमने बहुत बर्बाद किया, बहुत बर्बाद किया। अब तो हम बर्बाद नहीं करेंगे उस ज्ञान को, कम से कम आत्मा में नहीं लगा पाए तो नहीं लगाएं, लेकिन बर्बाद तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये मोटानी जी ने मेरे से प्रश्न पूछा, आपके दिमाग में खड़ा हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं। मैंने कहा मोटानी जी बर्बाद तो करोगे नहीं और आत्मा को देखोगे नहीं तो फिर क्या करोगे? क्यों पैसा गंदे काम में खर्च करोगे नहीं, सिनेमा के टिकट लाओगे नहीं और मोक्ष मार्ग प्रकाशक खरीदोगे नहीं तो क्या होगा? बोलो, जुड़ जाएंगे, पैसा जुड़ता जाएगा। ठीक है ना? लेकिन भैया वो ज्ञान जुड़ता जुड़ता नहीं है, समझना मेरी बात। स्टेप समझ में आया ना, कि यदि तुमने उसे आत्मा नहीं जाना और जो हमने कहा कि ये विषय के साथ में मत जानो, तो भी वो किसी ना किसी पदार्थ को गे बना करके और खत्म हो जाएगा। वो तो उत्पन्न होते ही किसी को गे को जानता हुआ ही उत्पन्न होता है। समझ में आ रही है बात? क्यों ज्ञान की जो पर्याय पैदा होती है ज्ञानचंद जी, वो ऐसा नहीं कि वो पैदा हो गई अब हम सोचते हैं कहां लगाने। बात तो पहले समय में तो पैदा नहीं हुई, और जिस समय पैदा हुई उसी समय में किसी ना किसी गे को जानकर यूज हो गई। वो तो यूज्ड ज्ञान है, अमेरिका में ऐसे यूज्ड कारें मिलती है ना। कोई भी ज्ञान पर्याय अनयूज्ड नहीं मिलेगी। वो अनयूज्ड पर्याय तो आज तक पैदा हुई नहीं, समझ ना। वही पर्याय अनयूज्ड है जो आज तक पैदा नहीं हुई। जो पर्याय पैदा हो गई वो तो यूज्ड हो ही गई। और अब वो ऐसी ऐसा नहीं कि अनयूज्ड कार खरीद लो अनयूज्ड कार को तो 10 साल और चल जाएगी। वो उस ज्ञान से तो कुछ भी नहीं जाना जा सकता, वो खत्म बिल्कुल बर्बाद हो गया। वो जुड़ता नहीं है कि पैसा को तुम बर्बाद नहीं करोगे, सिनेमा की टिकट नहीं करोगे तो तिजोरी में रखा जाएगा। अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कितनी खतरनाक बात है कि वो तो तुम पैदा होने के साथ ही आत्मा में लगा दो तो लगा दो, नहीं तो तुमने कहां कहां नहीं लगाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं लग के बर्बाद हो जाएगी। अरे हमने अनादिकाल से आज तक कितना ज्ञान जिससे आत्मा एक दफे नहीं अनंत बार जाना जा सकता था, किस तरह बेदर्दी से बर्बाद किया। क्यों बाप दादों करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए थे और हमने किस तरह 5 बिस्नों में उड़ा करके उन्हें बर्बाद कर दी। क्यों अब रोने बैठ गए? हाँ हमने कितना ज्ञान बर्बाद किया। रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बर्बाद हो गया हो जाने दो। अभी जब तक तुम सैनी पंचेंद्री हो, ये देह नहीं छूटी है, तब तक प्रति समय ऐसा नया ज्ञान पैदा होगा कि जिससे तुम आत्मा जान सकते हो। चिंता की बिल्कुल बर्बादी की तरफ चिंता, रो मत, रोने मत बैठो। ये हमने बात जो तुम्हें बताई कि तुमने कितनी बर्बादी की है, वो तुम्हारे रोने के लिए नहीं है। हम अकबर के परिवार के हैं, भीख मांग रहे हम अकबर के परिवार के हैं। अब अकबर का प्रणाम लेने से कोई फायदा नहीं है, समझ में आई ना। अब तुम्हारे लिए अगली समय की जो पर्याय पैदा हुई है उससे तुम्हारा काम हो सकता है, समझिए ना। देखो आप, हमारे पास 10 बंगले हैं, 10 मकान हैं, 10 गाड़ियां हैं, एक एक बंगले में 10-10 कमरे हैं, बहुत वैभव है। अब हमारा सब लुट गया,
सिर्फ एक मकान बचा जिसमें हम रहते थे, दो कमरे का, एक गाड़ी बची विद एसी, और खाने पीने का सामान बचा, बोलो सब लुट गया। कि रो मत, अभी कुछ नहीं लुटा है, वो तो वो लुटा है कि जिसे बहुत जल्दी लुट जाना चाहिए था, ये अभी तक था क्यों? क्या खबर, क्या कह रहे हैं आप? समय हो गया, बात अधूरी है, क्या करूं, बोलो। लुट जाना चाहिए था का मतलब क्या? कि तुम्हारे में 10 बंगले थे ना जतीश भाई, तो उनमें एक का यूज करते थे, नो तो तुम यूज नहीं कर सकते थे। अब एक बंगले में 10 कमरे थे, और तुम दो आदमी पति पत्नी, तो एक कमरे का यूज करते थे, नो तो खाली रहते थे ना। नहीं नहीं, कभी कभी दो कमरे भी यूज हो करते थे, करते थे। कब? जब पति पत्नी में झगड़ा होता था। तो वो सुख की निशानी नहीं है दो कमरों का यूज करना, वो दुख की निशानी है ना। तो अभी वे गए जो बंगले जो यूज नहीं हो रहे थे, बे गए हैं, बे कमरे गए हैं जो यूज नहीं हो रहे थे, बे गाड़ियां गई हैं जो यूज नहीं हो रही थी, समझ गए ना, काम नहीं आ रही थी, जो काम आ रहे थे वो सब बचा है। और वो परिग्रह नाम के पाप थे, और उनकी वजह से निरंतर पाप का दंड हो रहा था, तो उनका तो जाना अच्छा है ना। वो थे, काम में आ नहीं रहे थे। एक बंगला मैंने सोनगढ़ में बना लिया है, एक मैंने देवलाली में बना लिया है, अब एक शिखर जी में भी बना लूंगा, एक सोना के जी में भी बना लूंगा। फिर आओगे कब? सच बोलता हूं मैं ज्ञानचंद जी, दयाली मत माना। ये हमारे यहाँ ये कुंभकोण कहान और विद्या विज्ञान भवन बनाए, ऐसे लोगों के मैं नाम बता सकता हूँ, अभी अभी जवान तो है मेरे, बताऊंगा नहीं, कि जिनने बनाए लिए एक दिन भी उसका यूज नहीं किया, देखे नहीं। हमने कहा कि मेहनत की थी, हम दौड़ धूप करी थी, इसलिए की थी कि तुम यहाँ आके रहोगे और धर्म लाभ लोगे, और तालक कभी कभी दी नहीं कि हम कहीं किसी विद्वान को ही ठहरा दें, क्या करें बोलो। मैं क्या, हमने छोड़ दिया, दिमाग में से निकाल दिया, कुछ नहीं, हमें नहीं करना, बहुत बहुत प्रवेश है हमारे पास, सोच नहीं सकते तुम इतने इतने 20-20 करोड़ के, तुम्हारा ये सब तोड़ ताड़ के और बिल्कुल पूरा नया बना दें, बोलो। मैंने कहा हाथ जोड़ते हैं भाई साहब, हमको तो 5 साल तक धूल ही धूल खाने को मिलेगी, और धूल की है हमें एलर्जी, तो हम तो खांसते खांसते मर जाएंगे, और जब बनेंगे तब तक हम जिंदा ही नहीं रहे, हमें तो ऐसा ही अच्छा, इसमें इस कुछ कर सकते हो तो कर दो। सच बोलते हैं, आप सोच नहीं सकते हो, कोई आदमी 20 करोड़ का ऑफर भी ठुकरा सकता है क्या? क्या? मेरे नजदीक के लोगों ने भी मेरी जान खाई, तो बबलू बड़ी बहुत जान खाई, कहा गया है बैठा है दादा, ये दादा, ये दादा कर कल कर दादा, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा भैया तुम मुझे शांति से मर जाने दो, फिर तुम्हें दिखे सो करते रहना। तब भी नहीं रहा मैं तो, धूल खाने को नहीं रहा, जब बन गया बढ़िया तो मजा लेने के लिए आ गया। समझ लो, तो वो तो कौन सा गया, वो ज्ञान कौन सा गया, जो यूज्ड ज्ञान था, उसे क्या लेना देना था। वो संपत्ति गई जो भोग में आ रही थी वो बची है, तो वो तो पाप बंद हो रहा था, वो गया है, इसलिए जितना जल्दी जाता उतना अच्छा था कि नहीं था। ये सब शेयर मार्केट आधा हो गया भाव, अच्छा रहा, पाव हो जाता तो और अच्छा रहता, क्यों? क्यों शेयर शेयर थे किसके पास? बेचारे गरीब के पास, ये खाने के लोगों के पास तो शेयर होता ही नहीं है। मैं तो जिंदगी में कभी कोई एक शेयर खरीदा ही नहीं, बोला शेयर शेयर का कोई काम नहीं, समझे ना। तो जिसके पास वो एक्स्ट्रा पड़ा था, वो जितने में खरीदे थे वो 10 गुने भाव हो गए थे, और जो कभी यूज नहीं आए, क्यों? तो कागज ही पड़े रहे, चले गए, क्या उसके जाने का और नहीं जाने का क्या फर्क है, मुझे बताओ आप, क्या अंतर है उसके जाने और नहीं जाने में? तो अब वो ज्ञान अभी उतना तो है ना तुम्हारे पास, अमेरिका का रूल्स है ना,
रहने का मकान और रहने की कार कोरख नहीं हो सकती, और रात को तुम्हें फोन नहीं कर सकता कर्जा देने वाला, तुम्हारी नींद खराब नहीं कर सकता। समझ गए ना आपने? ऐसे ही हमारे पास इतनी ताकत जब तक जिंदा है तब तक है, लेकिन जिंदा रहने के बाद रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए देह छोड़ने के पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा उस ज्ञान के माध्यम से एक समय को जान लेना तो संसार से पार हो जाए।